बहनों, ये मामा चला जाएगा तो याद आएगा, ऐसे ही बोला सीएम साहब। ये सीहोर की पावन भूमि, आस्था की पावन भूमि है। आपकी अपनी वेदना हो सकती है, पर ये बहनों से और प्रदेश के नागरिकों से मत पूछो कि ये भाई मामा चला जाएगा तो फिर याद आएगा। ये आप प्रधानमंत्री से पूछो, आपके गृह मंत्री से पूछो, आपके बीजेपी के जेपी नड्डा जी से पूछो, क्योंकि वो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी, जब जेपी नड्डा से पत्रकारों ने पूछा कि आपके 20 साल का मुख्यमंत्री है, आपका 20 साल की सरकार, 18 साल का मुख्यमंत्री, बहुत मेहनती मुख्यमंत्री हैं, रात दिन दौड़ते हैं, पार्षदों जैसा काम करते हैं, कोई आया नहीं तो गले लग जाते हैं, पैर धोने लग जाते हैं, फिर हाथ माथे पे रखवा लेते हैं, फिर लौट जाते हैं, फिर साक्षात हो जाते हैं, फिर झंडा ऊपर चढ़ के चढ़ाने लग जाते हैं, क्या मालूम क्या क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। पर जेपी नड्डा से जब पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा हमारे चुनाव का चेहरा नरेंद्र मोदी होगा, शिवराज जी नहीं होंगे। हमारे गृह मंत्री से जबलपुर में पत्रकारों ने पूछा कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी हर प्रदेश में देती है, इस बार कौन होगा, तो उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, सही समय पे बताएंगे। और फिर उन्होंने बताया क्या, 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में भेज दिया, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और एक कुलस्ते जी, फिर 7 सांसदों को भेज दिया, एक महासचिव को भेज दिया, और फिर सबको ये कहा, अभी मैंने सुना ज्योतिराज सिंधिया का भी नंबर लगने वाला है। तो इन लोगों को, जहां पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश की व्यवस्था की बात करनी थी, उन लोगों को विधानसभा के चुनाव में झोंक दिया। ये ऐसा ही हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी भी जिले का महापौर जाके बन जाना, ऐसा ही हुआ कि देश का गृह मंत्री, देश की कृषि मंत्री बनने के बाद प्रदेश में विधायक बनना, यानी आपका कितना बड़ा डिमोनाइज करा इस प्रदेश में उन व्यक्तियों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अगर शिवराज जी को भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो उनसे पूछो मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, जनता से पूछने की जरूरत ही नहीं, पहले बीजेपी में पूछो आप। कितना करो शिवराज जी, एक व्यक्ति के पास जितना होता है 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल में सब दे देता है, आप कुछ नई बात नहीं करते, वो की वही बातें, वो की वही भाषण, आपके भाषण अब लोग सुनते नहीं है। आप जैसे ही आते हो, बहना घबराना मत, तुम्हारा मामा अभी जिंदा है, मैं मेरी बहन के लिए कुछ कर गुजरूं तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। 10 तारीख को एक क्लिक में, राखी के 2 दिन पहले 250 रुपए खाते में दूंगा, राखी सुखी नहीं बनने दूंगा। अब आस्था की कौन सी मिठाई की दुकान है परमार साहब, जहां 250 रुपए की मिठाई 1 किलो मिलती, मतलब ये डालडा की मिठाई खा के बहन को बीमार करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अरे बात करते हैं नफरत की, बात करते हैं घृणा की, वोट लेना चाहते हैं कट्टरपंथ के हिसाब से। ये देश किसका है? ये देश है भगवान राम का। भगवान राम कौन? भगवान राम वो जो युद्ध की बेला में उनकी धर्म पत्नी को रावण लेके गया, तो रामायण में 13 बार जिक्र है कि सीता को दूध भेजे, रावण से किसी न किसी रूप में बात की, बजरंग बली को अशोक वाटिका भेजा और कहा कि कैसे भी सीता मैया आ जाए, नहीं माना रावण, अहंकार नहीं माना। तो अंत में जब युद्ध की बेला सज गई, उधर रावण की सेना, इधर राम की सेना, वानर सेना, तब भगवान राम ने फिर रावण से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, यह रावण इतना भयंकर युद्ध होगा कि सदियों सदियों युगों युगों इस महाकाल को लोग याद रखेंगे, मैं अब भी प्रार्थना करता हूं मेरी धर्म पत्नी को लौटा दो, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। ये है भगवान राम। भगवान राम ने सबरी के बेर क्यों खाए? इसलिए कि छुआछूत नहीं रहे, भेदभाव नहीं रहे, वो आदिवासी थी। केवट पे, केवट के पास क्यों गए भगवान राम? रामायण की एक एक भावना मानवता को जिंदा करती है। राधा कृष्ण का मंदिर है, भगवान कृष्ण का देश है। भगवान कृष्ण ने क्या दिया? प्रेम दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी,
न्याय दिया, अपने परिजनों के लिए अधर्म के लिए सर्वनाश कर दिया, ये दिया। उन्होंने अपना तपना नहीं किया। करप्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी का लोकायुक्त आता है, बीजेपी को छोड़ देता है, विपक्ष पे चला जाता है। ईडी आती है, विपक्ष पे चली आती है, पक्ष को देखती ही नहीं है। सीबीआई आती है, पक्ष पे देखती नहीं, विपक्ष की जान ले लेती। ये ऐसा नहीं किया भगवान कृष्ण ने, ऐसा भारत की बात ही नहीं की, कहीं भी महाभारत में जिक्र ऐसा नहीं है। अरे ये देश है महावीर का, जिन्होंने हमेशा सत्य की, त्याग की, अहिंसा की और बलिदान की बात, तपस्या की बात। ये देश है पैगंबर का। पैगंबर ने क्या कहा? असली इस्लामिक वो जो जिस देश में रहता है, उस देश की मिट्टी से प्यार करता है और देशभक्त रहता है, वही असली इस्लामिक है। ये बात पैगंबर साहब ने कही। अरे ये देश है गौतम बुद्ध का, अंबेडकर का, गांधी का। ये देश है गरीब का, अमीर का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सभी का है। अपना है ये देश, सबका है ये देश। इसमें सबके रहने की जगह। तो इस देश में नफरत के बीच बोल के सत्ता पाना वाले लोगों को अब प्रदेश की सत्ता से बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो पेट्रोल था 60 रुपए का, वो 100 रुपए का हो गया। जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, वो 1150 रुपए का हो गया। जो किचन ऑयल, जिसको मीठा तेल कहते हैं, 60 रुपए का था, 160 रुपए हो गया। और श्रद्धा कलेक्शन का कलेक्शन बिकना कम हो गया। नहीं हुआ हो तो दिल पे हाथ रख के बता, हुआ कि नहीं हुआ बेटा? कम कमाई हुई कि नहीं हुई? तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? भगवान राम ने जब राम राज्य की परिकल्पना की, और अयोध्या में जब भगवान राजा राम का राज चल रहा था, तब भी कानून थे, नियम थे, परंपराएं थी, संविधान था, न्याय था। ये भगवान से मिली हुई विरासत है, ये छोटे मोटी बात नहीं है। जब राजाओं का राज था, तब भी उसके नियम, कायदे और कानून थे। जब लोकतंत्र आया, तब भी संविधान बना, और उस संविधान से देश चलेगा। ये भावना देश के नागरिकों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस समय की संविधान सभा ने, और उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया और उसको आत्मसात किया। साथियों, ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि आज न्याय बिकने लगा है। ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि जो स्वायत्त संस्था थी, वो लोकतंत्र की हत्या करने लगी है। सरकार उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगी है। क्या कारण है कि 20,000 करोड़ रुपए का अडानी की फेक कंपनियों में पैसा आया? सबको दिखा। राहुल गांधी ने विचार किया, बात की संसद के सामने, देश के सामने, उनको उठा के बाहर कर दिया। ये अन्याय है या नहीं है? ये लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है क्या ऐसे? क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की जी की जो सदस्यता थी उसको छीनी? क्या कारण है कि मैं जब गेहूं के दाम मैंने मांगे, मैंने कहा कि इस प्रदेश में अगर किसान के जेब में पैसा जाएगा तो वो बाजार में जाएगा, दुकान पे जाएगा, खरीदी करेगा, बिक्री होगी। जब बिक्री होगी तो उत्पादन लोग करेंगे फैक्ट्रियों में, और जब फैक्ट्रियों में उत्पादन करेंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए किसान की जेब में पैसा होना जरूरी है, मजदूर की जेब में पैसा होना जरूरी है। शिवराज जी ने पिछले 10 साल में 15 साल में 1,00,000 बार कहा कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा। शिवराज जी ने हमारे विधानसभा के राज्यपाल के अभिभाषण में 4 बार कहा कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा। यहीं सीहोर में, शेरपुर में, 18 में 5 साल पहले प्रधानमंत्री से खिलवाया कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब मैंने 10 बार पूछा विधानसभा में, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 10 बार, मेरे जैसे कई विधायकों ने पूछा किसान की आय कितनी हुई, तो शिवराज जी ने 10 बार एक उत्तर, जानकारी एकत्र की जा रही है, जानकारी एकत्र की जा रही है। उनकी जानकारी एकत्र होती रही, उनका ही विभाग था, मुख्यमंत्री का विभाग था। जब मैंने इतनी बार विधानसभा में उत्तर नहीं मिला, तो मैंने फिर विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री ऐसे सामने बैठे थे, उनसे अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री जी, आपने एक पवित्र विचार प्रदेश के सामने दिया, देश के सामने दिया कि हमें किसान की आय दोगुनी करनी है। ये एक एक मुख्यमंत्री ऐसा जो किसान के दर्द को समझ सकता है, वही बोल सकता है। तो मेरे मुख्यमंत्री ने उस समय जब मैंने कहा कि हम सर्वसम्मति से किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनाज का भाव 3,000 रुपया क्विंटल कर दे, प्रस्ताव कर दे, कांग्रेस बीजेपी नहीं, राजनीति नहीं, पक्ष विपक्ष नहीं, एक साथ
मिलके ये प्रस्ताव पास करें। शिवराज जी नीचे से कहते रहे, उधर सामने बैठे थे, मैं खड़ा था, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी, तो नहीं हो सकता, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं एक मुख्यमंत्री 10 साल से कह रहा था कि मैं दुगनी आय करूंगा, और जब मैंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव करने की बात कही तो चेहरे से, मुंह से, नाक से, आंख से, विचार से मना कर रहा था। जब वोट के लिए लाडली बहना हो सकती है, 1,000 रुपया हो सकता है, विधायकों के खरीद फरोख्त तो हो सकती है सरकार के लिए, तो किसानों के लिए 3,000 रुपये कुंटल का अनाज का दाम नहीं हो सकता है। बात यह है कि मेरे मुख्यमंत्री ने किस तरीके का प्रदेश बनाया, इस तरीके का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पर पिशाब कर रहा है, इस तरीके का कि 2 लाख बहनें 3 साल में गायब हो गई, इस तरीके का कि 1 करोड़ बच्चे बेरोजगार है, इस तरीके का कि हर घर में नशा पहुंच गया, इस तरीके का किसान सबसे ज्यादा कर्जदारियां है, इस तरीके का किसानों को सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, इस तरीके का प्रदेश बनाया मेरे मुख्यमंत्री ने, जहां विधायकों की मंडी लग गई, आपके वोट की कीमत नहीं बची, जो वोट आप देते हो बिकने लगा। और उससे आगे बढ़कर मेरे मुख्यमंत्री ने फिर से सरकार बनाने के लिए बहन को लालच देके 1,000 रुपए की लाडली बहना योजना 18 साल बाद लेके आ गया है। क्यों नहीं लाया पहले जब शुरुआत थी तब? ये ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए प्रदेश में क्या? मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, कैंडिडेट कितने हैं आस्था से, कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है हाथ ऊंचा करो, जरा यहाँ नीचे आओ, जो जो लड़ना चाहते हो चलो आओ, घनश्याम उतरो, जो चुनाव लड़ना चाहता है चलो हटो यहाँ से, हटो जरा पीछे हो जाओ, जो चुनाव लड़ना चाहता है नीचे आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, जो जो चाहते हो सब आओ, इधर खड़े रहो। भारत माता की, सब जाओ उधर, जो जो चुनाव लड़ना चाहता आगे आ जाओ, जिसने जिसने आवेदन किया सब आओ, एक मिनट भैया, एक मिनट, आगे जाओ आगे जाओ, ये कितने जने हो गए भैया हाथ, एक मिनट, भारत माता की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और भी कोई बचा है क्या? चलो कोई बात नहीं, 1-2 इधर उधर होंगे उनका भी नाम ले लिया, जरा ये राधा कृष्ण का मंदिर है वो माता जी का है गणेश जी का है, हाथ ऊंचे करो सर, कसम खाओ टिकट 1 को मिलेगा, बाकी सारे मिलकर उसको जिताओगे, कसम खाओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, बोल गजानन गणपति भगवान की, तुम्हें गणेश जी की सौगंध है, भगवान राम की सौगंध है, माता जी की सौगंध है, सब एकजुटता से इस बार हाथ के पंजे को जिताओगे कि नहीं जिताओगे तुम? अरे जिताओगे कि नहीं? जिताएंगे। अब ध्यान रखना, इनने कसम खाई है, अगर बाद में 1 को टिकट मिलेगा कोई गड़बड़ करे तो ये भगवान के नहीं हो सकते, तो अपने होंगे क्या? नहीं होंगे। तो तुम भी कसम खाओ कि जिसको पंजे का निशान मिलेगा उसको ताकत से जिताएंगे, हाथ ऊंचा करो, भारत माता की। धन्यवाद भैया सबका। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बुधवार को सीहोर के चौपाल सागर से शुरू हुई। इस उत्सवी अवसर पर आष्टा विधानसभा और इच्छावर में कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी ने अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपने साथ जोड़ लिया और उन्होंने अपने भाषण में उन्हें अतिथि शिक्षकों के मुद्दे की याद दिलाई। इसी दौरान एक महिला अतिथि शिक्षक ने भी जीतू पटवारी की सभा में अपना संबोधन दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह यात्रा जनता के मुद्दों को सुनने और समझने का एक महत्वपूर्ण मंच है। जीतू पटवारी ने अपने भाषण में कहा कि आजकल की शिवराज सरकार से हर वर्ग परेशान है और बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस की ओर से एक सुनामी में बह जाएंगे। उन्होंने सीएम के भावुक बयानों को लेकर कहा कि सत्ता को इतने साल तक निभाने के बाद छोड़ने का दर्द तो होता ही है। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि देश में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो गरीब हों, शोषित हों या किसी अन्य वर्ग से हों। उन्होंने समाज में जातिगत और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अपनी समर्थन दिया और सामाजिक समानता के महत्वपूर्ण मुद्दे को उज्जैन और सीहोर के लोगों के सामने रखा। वह यह साबित करते हैं कि वे राजनीति को जन की सेवा के लिए अपनाते हैं और समाज में समानता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं।